नमस्कार, मैं खुशी। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, एक नजर बिहार अहम खबरों पर। लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ शेखपुरा में देशी शराब का कारोबार, पुलिस ने की छापेमारी। पटना हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन में 350 केसों का किया निपटारा। लॉकडाउन में पटना में मिली राहत, रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट, किताबों की दुकानें भी 3 दिन खुलेंगी। गिरिडीह में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, झारखंड में संक्रमितों की संख्या हुई 181। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को काम देने का ब्लूप्रिंट किया तैयार, ग्रामीण विकास विभाग ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। पटना में आईपीएस अधिकारी की रसोईया निकली कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। सीतामढ़ी में महिला और बच्चे की मौत, मिट्टी कटाई के दौरान हुआ हादसा। गया के प्रवासी मजदूरों ने खुद बनाया अपना क्वारंटीन सेंटर, गांव वालों ने दिया खाने को अनाज। वैशाली के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, मच्छरदानी की गई मांग। बरौनी स्टेशन पर ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, भागलपुर में मां और बच्चे का हुआ थर्मल चेकअप। जहानाबाद के मखदुमपुर में स्टाफ स्पेशल ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर, बाल बाल बचा ड्राइवर। बेगूसराय में रेल कर्मी और उसकी पत्नी निकली कोरोना पॉजिटिव, रेलवे कॉलोनी में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में प्रवासियों से भरी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 24 से अधिक घायल। झारखंड में सीबीआई ने बसुरिया कोलियरी में कलर को 10,000 रुपए घूस लेते दबोचा। बिहार के डॉक्टर की आगरा में मौत, आत्महत्या की आशंका, दरवाजा तोड़कर शव निकाला गया। बीएमपी में 2 और संक्रमित मिले, अब 22 हो गई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। सीएम नीतीश कुमार ने एक हफ्ते बाद तेजस्वी का लिया नोटिस, अधिकारियों को सौंपा एक दिन में 10,000 टेस्ट कराने का टास्क। 20 मई से पहले जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट, बहुत जल्द टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया भी होगी शुरू। झारखंड में पहली बार धान खरीद कर सरकारी लक्ष्य हासिल हुआ, किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को उम्मीद से अधिक धान बेचा। झारखंड के चाईबासा में जमीन विवाद को लेकर हत्या मामले में 7 गिरफ्तार, 1 फरार। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।